नमस्कार, मैं हूं अनिल ढांडा और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर जींद के नागरिक हॉस्पिटल से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर टीम एक दौरा निरीक्षण करती हुई, जिस तरह से लगातार जो कोरोना का खतरा है वो बढ़ रहा है और उसके चलते कई हॉस्पिटलों के अंदर देखा गया कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जो कमी है वो पाई गई है, उसी का जींद के नागरिक हॉस्पिटल में आज डॉक्टर टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो इस हॉस्पिटल के अंदर पूरी प्लानिंग के तहत लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से खतरे से निपटने के लिए वो तैयार रहेंगे और किसी भी इमरजेंसी के दौरान किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको लेके पूरी तरह से तैयारी यहाँ पे की गई है। तो लाइव तस्वीर हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो रेगुलर बेसिस पे 250-300 प्लस केसेस जो जींद के अंदर अभी निकल के सामने आ रहे हैं, उसके चलते यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह के इमरजेंसी और खतरे के निपटने के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके चलते यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो लगाया गया है। जैसे कि लाइव तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पे सेट कर किए जा चुके हैं और किसी भी तरह के खतरे के निपटने के लिए हमारे जींद के जो हॉस्पिटल है वहाँ की जो डॉक्टर टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे, लाइव तस्वीरें बने रही हमारे चैनल पर। देखिए, ऑक्सीजन की जो सेंट्रल पाइपलाइन थी, जो पिछले कई दिनों से जिसका कार्य चल रहा था, आखिरकार वो आज शुरू हो गई है। इसका जो ऑक्सीजन रखने का मेन प्लांट है वो जो पुराना एक्सरे रूम उसमें बनाया गया है, इससे जो है सारे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई होगी। लगभग 100 पॉइंट लगेंगे, तो हमने इसमें ऑक्सीजन के प्लांट पॉइंट जो है एक तो कैजुअल्टी में लगाए हैं, कैजुअल्टी सारी कवर हो गई है, हर एक कैबिन में हर एक बेड पे ऑक्सीजन लगा दी गई है। और एक जो हमारा जो फिलहाल कोविड वार्ड है फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर आज चालू हो गया है, कैजुअल्टी और फर्स्ट फ्लोर आज बिल्कुल चालू हो गए हैं, पेशेंटों को ऑक्सीजन इस सेंट्रल पाइपलाइन के माध्यम से दी जा रही है। कल या परसों तक सेकंड फ्लोर भी चालू हो जाएगा, तो इससे हमारी बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे बंदे थे उनको 80-90 सिलेंडर सुबह, 80-90 सिलेंडर शाम को ऊपर लेके जाने होते थे, इससे बड़ी परेशानी होती थी। इसके अलावा गैस सिलेंडर बहुत वेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन लीक करती रहती है, इसमें ऑक्सीजन की भी बचत होगी और मैन पावर की भी बचत होगी और जिसको ज़रूरत होगी उसको उतनी ऑक्सीजन, अदरवाइज सिलेंडर खाली पड़े रहते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा प्रयास है। ऑक्सीजन ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस हो रही है, इससे हमें ऑक्सीजन की मदद मिलेगी बचाने में और पेशेंट को जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही है, उसके अलावा वेस्टेज नहीं होगी। तो हर रोज़ कितना है? देखिए, हमारे पास फिलहाल हमें 1 टन ऑक्सीजन रोज़ मिलेगी और इससे हमारा काम चल जाएगा। इसको हम जो ऑक्सीजन लिक्विड टैंक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिए हैं कि इसको जो सेंट्रल पाइपलाइन जो नई बिल्डिंग है जिसको वो वहाँ जहाँ से आती है ऑक्सीजन टैंक से, उसी से इस जो सप्लाई को जोड़ दिया जाएगा। तो जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो सारी मेन टैंक से आती रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आश्वासन दिया है कि उसको हम रेगुलरली भरवाते रहेंगे। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो अफरा तफरी थी, जो संदेह था, जो डर था, वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी सारी ऑक्सीजन हमारे जो ऑक्सीजन टैंक है उससे आती रहेगी, तो इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।